नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। ये बात करते हैं लास्ट दो मूवी यानी कि साहेब बीवी और गैंगस्टर और धड़क की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। पहले बात करते हैं साहेब बीवी और गैंगस्टर, जिसमें संजय दत्त संजू बाबा ने काम किया। इसके पहले दिन का जो कलेक्शन था बहुत ही बेकार था, 1.25 CR, और दूसरे दिन का 1.5 और तीसरे दिन का 1.65 CR। चार दिन का कलेक्शन 65 लाख है और सब मिला के अभी तक 5.05 लाख का कलेक्शन, 0.05 करोड़ का कलेक्शन हुआ है अगेंस्ट 30 करोड़ के बजट में। बहुत मुश्किल लग रहा है कि अपने बजट को क्रॉस कर पाएंगे, मूवी फ्लॉप लग रही है। आइए बात करते हैं धड़क मूवी के बारे में, जिसमें ईशान जी और जानवी जी ने काम किया है। करण जौहर यानी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले इस मूवी ने अपने बजट यानी इसका जो बजट था इस बजट को क्रॉस कर लिया है। 40 करोड़ की इस बजट बनी इस मूवी के। पहले दिन का कलेक्शन 8.71 था, दूसरे दिन 11.04, तीसरे दिन 13.92, चौथे दिन 5.32, पाँचवें दिन 4.76, छठा दिन 4.066 और सातवें दिन 3.55, आठवें दिन 2.61, नौवें दिन 4.02, सेकेंड सैटरडे 5.2, सॉरी संडे 5.2 और मंडे 1.65, यानी कि 11वें दिन इसने 1.65 CR का कलेक्शन किया है और टोटल अभी तक 63.39 CR का कलेक्शन हो चुका है। तो ये मूवी सुपरहिट हो चुकी है और इस नई जोड़ी ने कमाल कर दिया है, लोगों ने इन्हें पसंद किया है। इसके वजह से यह मूवी अभी भी कलेक्शन कर रही है, सिनेमा हॉल में लगी हुई है। अगर दोनों मूवी कंपेयर करें तो संजू बाबा की मूवी बॉक्स ऑफिस में पूरी तरह से लुढ़क गई और धड़क स्टिल रनिंग और इसी तरह चलता रहा। तो धड़क जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो कलेक्शन था उस कलेक्शन को भी क्रॉस कर सकता है, जो एज ए न्यू जोड़ी उसमें भी लॉन्च हुए थे लाइक वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट। तो ये मूवी भी जा सकती है उसे क्रॉस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।